पंचायत चुनाव को लेकर सातवें चरण के नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशी व समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। इसी कड़ी में नालंदा के नूरसराय एवं चंडी प्रखंड कार्यालय में सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन काफी भीड़ उमड़ी। भीड़ का आलम यह रहा कि लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिखे। इस दौरान नामांकन कराने को लेकर प्रत्याशियों में होड़ लगी रही। नामांकन कराने के बाद प्रत्याशियों को समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इसी दौरान चंडी प्रखंड के तुलसीगढ़ पंचायत से मुखिया पद के लिए मणिकांत मनीष ने नामांकन के लिए पर्चा दाखिल किया, तो वहीं नूरसराय प्रखंड के चंडासी पंचायत से मुखिया पद के लिए अनु सिंह ने नामांकन करवाया, तो बराड़ा पंचायत से पंचायत समिति सदस्य के लिए वीरेश कुमार उर्फ राबड़ी यादव और बराड़ा पंचायत से सरपंच पद के लिए शोभा कुमारी जगदीशपुर तिवारी पंचायत से मुखिया पद के लिए सुनीता देवी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया एवं डोरिया पंचायत से मुखिया पद के लिए लक्ष्मण चौहान, नीरपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए अश्विनी कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। सुरक्षा को लेकर प्रशासन के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नामांकन को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर से मुख्य द्वार तक बैरिकेडिंग की गई है। क्या लड़ाई देख रहे हैं चुनाव में? जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, जनता का पूरा समर्थन। एक तरफा लड़ाई है, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। 5 साल में जो विकास का कार्य किए हैं उसमें सारे जनता का समर्थन हमें खुलकर मिल रहा है। वह है जो विपक्षी हैं, वो खुद 15 वर्ष यहाँ के वर्तमान में उनकी पत्नी और वो मुखिया रहे हैं, उनके 15 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार का पंचायत में विकास नहीं हुआ है। जो काम हुआ वो सिर्फ कागजों में ही सिमट के रह गया। विकास करेंगे, चंडासी पंचायत के किस पद पे? मुखिया पद से हूँ। क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में, किस तरह समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया, 5 साल में बहुत काम किए हैं, ये तो 90% पूरा हो गया है। 10% बाकी है, इसमें मैं इस बार जीत कर आऊँगी तब पूरा करूँगी। तिवारी पंचायत से मुखिया पद कर लिए। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? मुद्दा यही है कि जो काम 5 साल में नहीं हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। पिछले 5 साल में जो मुखिया जी थे, किस तरह का विकास किया? कुछ नहीं विकास हुआ है। आप जीत के आएंगे तो पहला प्राथमिकता क्या होगा? सभी जितना जो है हमारे जनता जन, उनको जो भी काम बाकी है उनको पूरा करना मेरा लक्ष्य है। सभी को वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और जो भी काम बचा हुआ है पंचायत में सब पूरा करेंगे। उम्मीद है कि मैं पूरी बहुमत से विजय प्राप्त करूंगी। नीरपुर पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार भरे हैं। क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच आ रहे हैं? न्याय के साथ विकास करना, अपने बड़े भाई वर्तमान मुखिया स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद, बड़े भाई अशोक कुमार सिन्हा के अधूरे सपनों को पूरा करने चलते संकल्प लेके उतरे हैं। किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है लोगों का? देख ही रहे हैं आप, है ना? ये जनता ही। पिछले 5 सालों में नूरसराय प्रखंड के बड़ारा पंचायत पंचायत समिति पद के लिए मंडाच ग्राम के वीरेश कुमार उर्फ राबड़ी यादव ने नामांकन किया। सरपंच बड़ारा पंचायत से सरपंच पद से शोभा कुमारी ने उम्मीदवारी दिया और दोनों के पक्ष में जो हमने देखा कि तमाम पंचायत के भाईचारा का जो होता है मिसाल, वो बड़ारा पंचायत में देखने को मिला। हमने देखा कि तमाम जाति धर्म के लोग, तमाम लोग वीरेश कुमार को और शोभा कुमारी को आशीर्वाद देने के लिए जैन सैलाब उमड़ पड़ा।